ठीक, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, प्रॉब्लम्स वगैरह कर लिए थे ना, कि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर चेंज करेंगे तो भी उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर देगा और उस पर भी काम करेगा तो वही आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि उसको ऑलरेडी लैमिस थ्योरम से भी प्रूव कर दिए थे, कोई भी मेथड हो इस सिस्टम को फॉलो करेंगे चाहे इस सिस्टम को फॉलो करेंगे या जो भी करेंगे उसका मेन वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्टेंट हमेशा सेम आता है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का रोटेशन कहाँ कहाँ यूज़ होगा, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे उसमें यूज होगा, या फिर हमारा फ्री बॉडी मतलब कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारा काम आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है तो सारा जो काम करेंगे वो थोड़ा टिल्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करेंगे, तो सवाल बनना बहुत आसान हो जाएगा। बोल क्लियर है, आगे लिखो। टॉपिक है आईजे के या आईजे नोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब अब कोऑर्डिनेट को आईजे नोटेशन के फॉर्म में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। आईजे फिर 3D आ जाएगा तो के भी बन जाएगा। तो देखो इसमें क्या है कि सपोज दैट कि सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बोल क्लियर है। एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, बोल क्लियर है। एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या होता है, एक्स कॉमा वाई का मतलब होता है कि ये वाला जो साइड होगा कितने का होगा, एक्स, और ये वाला साइड कितने का होगा, वाई का होगा। अच्छा ये वाई है तो ये कितना होगा, वाई होगा। ये एक्स है तो ये कितना होगा, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा ये पॉइंट ओ ले लेते हैं, इसको ना हम लोग इस पॉइंट को ए कह रहे हैं और इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, क्लियर है। और ये हमारा हो गया ओपी, ठीक है। तो अगर हमको ओपी, हम ओए वेक्टर को बोल तो क्या लिख सकते हैं, ओए वेक्टर को, तो ओए वेक्टर को अगर लिख सकते हैं एक्स इसका क्या है मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव ऑफ एक्स, तो ऐसे लिख सकता है। OA वेक्टर में x इसका मैग्नीट्यूड हो गया x की तरफ और i पॉजिटिव ऑफ x है तो i कैप लगा देगा, कोई दिक्कत। अच्छा बोलो तो OB क्या लिखेगा, तो हाँ y इसका क्या मैग्नीट्यूड और क्या लगा देगा, हाँ वेरी गुड, j कैप, बोल के देखा। अच्छा ये अगर पैरेलोग्राम लॉ से लिखना ही है तो क्या लिखना पड़ेगा, कौन रिजल्टेंट बनेगा, OP क्या बनेगा रिजल्टेंट, लेट दिस डिनोटेड बाई क्या, R वेक्टर, इसको R वेक्टर का नाम दे रहे हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि OP वेक्टर इक्वल टू व्हाट, OA वेक्टर प्लस व्हाट, OB वेक्टर। कौन सा रूल लगा है, हाँ पैरेलोग्राम लॉ लगा है, क्या लगा है पैरेलोग्राम लॉ, OP वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर। अच्छा OP वेक्टर क्या है, R वेक्टर है, OA वेक्टर क्या है, xi कैप है, प्लस OB वेक्टर क्या है, कोई दिक्कत वाली बात, अरे बोलो नहीं आया। तो R वेक्टर बराबर हम लोग xi कैप प्लस yj कैप लिख सकते हैं, क्लियर है। अच्छा इसका लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो चूंकि ये दोनों वेक्टर कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा, पाइथागोरस को करेगा। तो आर अगर मान लो ओपी का लेंथ निकालना हो या आर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, क्योंकि दोनों वैक्टर के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे तो एक्स बोले तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू कैन वी राइट कोफिशियंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस व्हाट, कोफिशियंट ऑफ जे का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कहां दिक्कत, अरे बोलो। तो कोई भी पॉइंट होगा तो हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं है तो ये क्या चीज का हो गया, 2D का। जैसे मान लो, कहने का मतलब कि सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक कोऑर्डिनेट है जिसका कॉमा 6.8 है, ठीक। ये पॉइंट P है, ये O है, हमको OP वेक्टर लिखना है, तो बोल OP वेक्टर क्या लिखेगा, हाँ वेरी गुड, 6i कैप प्लस क्या 8j। अच्छा OP का अगर लेंथ निकालना होगा तो कैसे निकालेगा, तो OP का लेंथ अंडर रूट, हाँ कोफिशियंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ y का j का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, कहाँ दिखा, समझना रहा कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से 2D वाला हो जाएगा। अच्छा अब आ जाओ 3D का, 3D रिप्रेजेंटेशन, 3D में आ जाओ कि सपोज दैट कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये तुम्हारा z एक्सिस, ले लेते हैं कौन सा सिस्टम फॉलो किया, समझ में आ रहा, x y z, क्लियर। पहले इसको उतारो तो थोड़ा,
ठीक। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो पूरा स्पेस वाला पढ़ेंगे, दैट इज 3D का होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा, बोल क्लियर है। तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। एक्स मतलब इस साइड अगर कोई होगा तो एक्स होगा, ठीक है, ऊपर होगा तो वाई होगा, इधर होगा तो जेड होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको समझेंगे, देखो अगर सपोज दैट कि मान लो ये क्यूबॉइड है, इसका ये क्यूबॉइड का एक क्यूबिकल क्यूबॉइड बॉक्स ले लेते हैं ऐसे, तो इसमें 3D दिखाना आसान हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा जेड एक्सिस, बोल गए है, अरे बोलो। अच्छा अब देखो हमको ना, सपोज मान लो कि इधर हमारा ओ ए वैक्टर, या इधर ओ ले लेते ओ ए, और इधर ले लेते हैं ओ बी, और इधर ले लेते हैं ओ सी, बोल गए है। अच्छा ओ ए जो है, ओ ए का जो लेंथ है वो सपोज इधर एक्स है वाला, ठीक, क्लियर। ओ बी का इधर वाला क्या है जेड है, और ओ सी का ये वाला क्या है वाई है, समझ आ रहा नहीं है। ओ ए का लेंथ क्या माना गया है एक्स, ओ बी का लेंथ जेड, और ओ सी का लेंथ, ठीक। अच्छा अगर मान लो कि हम इसको लिखना चाहते हैं, अगर ये पॉइंट हमारा एम है मान लो, तो हम ओ ए और ओ बी के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। अब ये हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला ओ ए वैक्टर और ओ बी वैक्टर 90 डिग्री बना रहा है यहां से, तो क्या इसका रिजल्टेंट ये होगा, किस रूल से ये रिजल्टेंट बनेगा, देखो तो पैरेलेग्राम लॉ से नहीं, कौन रिजल्टेंट होगा, ओ एम क्या होगा रिजल्टेंट होगा, किसका, ओ ए वैक्टर का और ओ बी वैक्टर का, किस रूल से, पैरेलेग्राम लॉ। तो हम कैन बी से दैट कि ओ एम वैक्टर कैन बी रिटेन एज क्या, ओ ए वैक्टर प्लस क्या लिख सकते हैं ओ बी वैक्टर। अच्छा ये सब इंडिविजुअली हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट अबाउट ओ ए वैक्टर, बोला जाए ओ ए वैक्टर का लेंथ कितना एक्स, डायरेक्शन कितना आई कैट, बोल क्लियर है। अच्छा ओ बी वैक्टर को क्या लिख सकता है, मैग्नीट्यूड कितना जेड, डायरेक्शन कितना हाँ के कैट प्लस जेड के कैट, क्योंकि पॉजिटिव ऑफ जेड है। अच्छा ओ सी वैक्टर बोलो तो मैग्नीट्यूड कितना है वाई, और डायरेक्शन ऊपर, तो क्या लगा देगा जे कैट, कहाँ दिक्कत। अच्छा अब हम किसका किसका रिजल्टेंट निकालना चाह रहे, ओ ए वैक्टर का और क्या ओ बी वैक्टर का, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, जेड हम देखो ये वाला सिस्टम फॉलो किए हैं जिसमें ये पॉजिटिव एक्स माने हैं, ये पॉजिटिव वाई माने हैं, और ये पॉजिटिव जेड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला ही है, ये पॉजिटिव जेड है, इसके अगर पीछे होता है ना तो नेगेटिव ऑफ जेड होता है, बोल क्लियर है। अच्छा ओ एम वैक्टर ओ ए समझ में आ गया। अब ओ एम वैक्टर इक्वल टू, ठीक है हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो ये वाला कौन सा रूल से लगा है, ये पैरेलेग्राम लॉ से लगा है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा अब देखो हम लोग ये वाला वेक्टर लिखना चाहते हैं, ये हम ये वेक्टर लिखना चाहते हैं, ये वाला लेस दिस पॉइंट भी, इसको पी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं पी, ठीक। तो ये पी मान लेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, देखो ये हमारा ओ एम हो गया, एक वैक्टर ये एज्यूम कर ले ऐसे, तो ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला, क्या ये ट्रायंगल का प्लेन बना, देखो तो इज दिस ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का प्लेन बन गया, ठीक है। तो क्या हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, कौन रिजल्टेंट बनेगा, आवाज नहीं आया, क्या रिजल्टेंट बनेगा, तो जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, तो हमको जोड़ना किसको किसको, ओ एम को और क्या एम ए को, क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। तो जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना है वो सेम सेंस में होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमेशा अपोजिट सेंस का होगा, यही ना, जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना है वो सेम सेंस में, जो रिजल्टेंट होगा हमेशा अपोजिट सेंस का होगा, तो बोल क्या लिखेगा, तो कैन बी राइट ओपी वैक्टर इक्वल टू वट ओ एम वैक्टर, वेरी गुड, फिर बोला जाए हाँ एम पी वैक्टर लिख सकते हैं। अच्छा ये कौन सा रूल से लिखा गया है, हाँ ये लिखा गया है ट्रायंगल से, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। अब देखो ओपी वैक्टर इक्वल टू ओ एम वैक्टर, ओ एम वैक्टर को ओ एम वैक्टर लिखने दो, और एम पी वैक्टर क्या लिखेगा, एम ये पी है ना, ए तुम्हारा ये वाला है, दिस पॉइंट इज ए, कंफ्यूजन मत करो, ये वाला ए है, पी यहां पर है, तो क्या लिखेगा, कैन बी राइट एम पी वैक्टर इक्वल टू
ओसी वेक्टर एमपी वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्यों? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, जितना लेंथ का ये है उतना ही लेंथ का ये है, बिकॉज फिगर क्या है? क्यूबॉइड है, फिगर क्या है? तो जितना लेंथ का ये होगा उतना ही लेंथ का ये होगा, तो ये कितने लेंथ का है? वाई लेंथ का, तो ये भी क्या होगा? तो ये इक्वल वेक्टर हो गया ना, तो ये क्या हो गया? इक्वल वेक्टर, एमपी वेक्टर इक्वल टू ओसी वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर में एमपी वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे? ओसी वेक्टर। तो हमारा ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया? ओएम वेक्टर। ओएम वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे? ओए वेक्टर प्लस व्हाट? हाँ, ओबी वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर। ठीक, इसको और सरिया के लिखेगा तो क्या हो जाएगा? ओपी वेक्टर इक्वल टू ओए वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर प्लस व्हाट? कहाँ दिक्कत? अब सबका वैल्यू बैठा देते हैं, तो ओपी वेक्टर क्या हो गया? व्हाट इज ओपी वेक्टर? ओए वेक्टर। ओए वेक्टर क्या है? एक्स आई क्या सीक्वेंस एक्स वाई, हमेशा सीक्वेंस एक्स वाई जेड को फॉलो करता है। ऐसे पहले एक्स का नंबर आएगा, फिर वाई का नंबर आएगा, फिर जेड का, ऐसा ही हम बराबर लिखना चाहते हैं। ठीक, ऑलवेज प्रीफर, ऑलवेज कंपलसरी है, ऑलवेज राइट ऐसे, इसी सीक्वेंस में लिखना है, ऑलवेज राइट इन द सीक्वेंस एक्स वाई जेड, पहले एक्स का, फिर वाई का, फिर जेड का। तो ओपी वेक्टर बराबर ओए वेक्टर, एक्स आई कैप, फिर किसका नंबर है? ओबी का। ओबी ऐसे क्या है? हाँ, ये पहले ओबी है, पहले इसको हमने, हाँ इसको ओसी पहले लिखना पड़ेगा, तो ये सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इस रूल को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ओसी वेक्टर है कितना? वाई जे है, और फिर क्या हो जाएगा? जेड के कैप हो जाएगा। देखो तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? लेट दिस डिनोटेड बाई आर वैक्टर, इसको आर वैक्टर से भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो आर वैक्टर बराबर क्या लिखेंगे बोला जाए? एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस वट जेड के कैप, ऐसे। ठीक, अच्छा अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? अब सुनो, हाँ ये वाला और ये वाला, ये तुम्हारा क्या था? एक्स, और ये वाला क्या था? जेड। अच्छा ये जेड है, तो ये दोनों वेक्टर कितने एंगल पे हैं? 90 पे, तो ये पाइथागोरस को फॉलो करेगा, या फिर ये वाला जेड है तो ये भी वाला क्या हो जाएगा? जेड, और यहाँ पर कितना एंगल? 90, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर के बीच में यहाँ पर कितना बन रहा है? 90, तो ये पाइथागोरस का रूल को फॉलो करेगा। तो अगर ये वाला पार्ट एक्स है, ये वाला जेड है, तो ये वाला क्या होगा बोल? ये वाला एक्स है, ये वाला जेड है, और ये दोनों के बीच में 90, तो इसके 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा ना, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? हाँ बोला जाए, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। थीटा के 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये वाला एक्स हो गया, ये वाला जेड हो गया, तो ये वाला साइड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। बोल क्लियर है? अब ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो तो, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर ओएम है वो किस प्लेन में है? ये प्लेन है एक्स जेड प्लेन, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ओएम वेक्टर इज इन व्हाट? एक्स जेड प्लेन। अरे बोलो क्या है? ओएम वेक्टर किस प्लेन में? एक्स जेड प्लेन में है, और ये तो एकदम बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, तो एमपी वेक्टर क्या है? एमपी वेक्टर इज व्हाट? कैन वी से परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया ना, तो पूरा वाई एक्सिस एक्स जेड के प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होगा। एक्स जेड प्लेन तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया जो फिगर बना है, और ये बिल्कुल इसी के ऊपर 90 डिग्री पे है ना। देखो व्हाट इज एंगल बिटवीन एमपी, एमपी इज ये क्या है? 90 डिग्री पे है, किसके रेस्पेक्ट में? इसी पूरे प्लेन पे, ये पूरे प्लेन पे ये बिल्कुल क्या है? 90 डिग्री है। तो हम ऐसा, जो पूरे प्लेन पे भी 90 डिग्री है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एमपी जो है, एमपी बोल लो या ओसी बोल लो, इस परपेंडिकुलर टू ओए ऑल्सो, परपेंडिकुलर टू ओबी ऑल्सो, या परपेंडिकुलर टू पूरा प्लेन ऑल्सो, या परपेंडिकुलर टू ओएम ऑल्सो, नहीं, दैट इज एमपी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? क्या लिख सकते हैं? ओएम लिख सकते हैं। देखो तो क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि इस वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो ओ एम वैक्टर है वो एक्स जेड प्लेन में है, और उसी के रेस्पेक्ट में ये कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे। तो ये पाइथागोरस रूल को फॉलो करेगा, क्या फॉलो करेगा? ये चमका कि नहीं? क्या हुआ कैसे? ओ एम जो है किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में है, और एम पी उसी के एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि जैसे ये वाला, बिकॉज ये क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड का देखो तो प्लेन जितना भी एज होगा
सब 90 डिग्री पे होगा, तो ये तो एज ही है ना, नीचे में प्लेन है एज है, तो सारा एज जो उतना भी होगा वो पूरे प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो 90 डिग्री पे होगा तो पाइथागोरस का रूल को फॉलो करेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल में, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ओ एम पी, ओ एम पी में देखो राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी क्या लिख सकते बताओ तो, कैन वी राइट ओ पी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ओ एम स्क्वायर प्लस बराबर एम पी स्क्वायर, देखो तो ठीक। अब ओ पी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ओ एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर क्या है देखो तो, व्हाट इज ओ एम स्क्वायर, तो ये ओ एम स्क्वायर है अंडर रूट व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस, अरे बोलो फिर क्या इसका स्क्वायर, क्योंकि ओ एम अंडर रूट है ना, ओ एम क्या यही वाला तुम्हारा क्या हो गया, ये किसका लेंथ हो गया ओ एम का, और फिर इसका क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर डाल दिए। फिर एम पी, एम पी एक्चुअली क्या है, तो ये वाला वाई है, तो ये भी हमारा क्या होगा वाई होगा, तो बोला जाए क्या लिखेगा, हाँ ये रूट ओवर वाई स्क्वायर लिखे, नहीं सिंपली वाई का स्क्वायर लिखेगी ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लेट इट बी डिनोटेड बाई सपोज आर वैक्टर ले लेते हैं, तो कैन वी से दैट कि ओपी वैक्टर जो है आर वैक्टर का लेंथ है, क्या है आर वेक्टर का लेंथ है, तो आर वेक्टर का लेंथ बराबर क्या हो जाएगा बोलो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, यह पूरा सरिया के लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा बोलो, हाँ और इसका ये स्क्वायर भी होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट व्हाट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या, कहां दिक्कत, तो अगर कोई भी कोऑर्डिनेट होगा जिसका, अब इसका कोऑर्डिनेट हम क्या कर सकते हैं, तो इधर वाला कोऑर्डिनेट क्या है एक्स, तो देखो ये कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं इसका क्या क्या होगा, अरे बोलो इसका कोऑर्डिनेट देखो कैसे कैसे लिखेंगे, अगर कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो देखो एक्स वाई और इधर क्या, इसका लेंथ क्या लिया गया यहां से यहां x ठीक, यहां से लेकर यहां तक इसका लेंथ क्या लिखा गया y, सॉरी y नहीं है ये z, क्योंकि z की तरफ है, और यहां से लेकर यहां तक इसका लेंथ क्या लिया गया y। अब ये मान लो बहुत सारा पॉइंट हम ले लिए, क्या क्या ले लिए, a ले लिए, ऊपर वाला क्या ले लिए ये बोलो c ले लिए, फिर ये वाला क्या है b ले लिए, इसको क्या लिए M, इसको क्या ले लिए P, अच्छा फिर क्या क्या बच गया, इसको D ले लेते हैं, ये E ले लेते हैं, और कोई पॉइंट बचता है क्या, अरे बोलो कोई कैसे वाली बात। अब बताओ A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो A तो यहां से लेकर यहां तक X हो गया, तो X तो हुआ लेकिन ये हाँ प्योरली x एक्सिस के ऊपर है ना, तो अगर प्योरली ये x एक्सिस के ऊपर होगा तो y और z इसका क्या होगा जीरो होगा, तो इसका x होगा बट y नहीं होगा, और हमेशा सीक्वेंस क्या होगा, ऑर्डर हमेशा क्या होगा, तो पहले x होगा फिर y होगा फिर z होगा, यही ऑर्डर प्रीफर करना, पहले x देन y फिर z ठीक। अच्छा अब आ जाओ b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो b प्योरली किधर है z एक्सिस में, तो क्या जीरो होगा, हाँ x भी जीरो होगा, हाँ वेरी गुड y भी जीरो होगा और z भी जीरो होगा, बोल क्लियर है। अच्छा c का कोऑर्डिनेट बोलो y होगा, तो x क्या होगा जीरो, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है, y क्या होगा रहेगा z वाला जीरो होगा, कहाँ दिक्कत। अच्छा ये पॉइंट m को देखो, क्या देख रहे हैं m, m को क्या लिख सकते बताओ, हाँ m m m m, तो m में ये किस प्लेन में है, तो xz प्लेन में है, तो जिस प्लेन में होगा वो कोऑर्डिनेट्स होगा उसका, बाकी जो नहीं है वो उसका जीरो होगा, तो xz प्लेन का मतलब व्हाट y जीरो, xy का मतलब z जीरो, xz का मतलब y जीरो ठीक है, yz का मतलब x जीरो, बोल क्लियर है। तो बोल m का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, तो किस प्लेन में xz प्लेन में, तो क्या होगा x होगा y नहीं होगा x जीरो z, तो x जीरो हाँ वेरी गुड, ऐसे कहां दिक्कत समझ आ रहा है, ये बोलो क्या होगा,
तो ये किस प्लेन में है? वाईजेड प्लेन में। तो इसका वाईजेड प्लेन मतलब क्या? जीरो जीरो एक्स जीरो, तो ये जीरो वाई, और हमेशा किस ऑर्डर को फॉलो करना? एक्स वाई जेड को फॉलो करना, ठीक है? क्लियर? अच्छा, डी किस प्लेन में? पॉइंट डी को देखो, हाँ ये बिल्कुल एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में तो बोलो क्या लिखेगा? एक्स होगा, वाई होगा, जेड नहीं होगा, ठीक है? तो जेड जीरो होगा, तो बोला जाए एक्स कॉमा वाई कॉमा ऐसे। अच्छा, ये पी तो बिल्कुल स्पेस में आ गया। पी कहाँ गया? स्पेस में। स्पेस में आ गया तो इसका एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। तो बोल इसको क्या लिखेंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। कहाँ दिक्कत? अरे बोलो। तो ये हमारा ओ है, ऑरिजिन है, और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? जीरो जीरो जीरो, है ना? तो आर वेक्टर जो लिखा है यही ना ओपी वेक्टर हो गया। तो ओपी का जो लेंथ अभी निकाल लें, तो ओपी का लेंथ क्या निकला? अंडर रूट व्हाट? ओपी का जो लेंथ निकला वो क्या निकला? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही ओपी का लेंथ हुआ। लेट इट बी डिनोटेड बाय क्या? आर। कहां दिक्कत? तो कहीं से भी कहीं लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है? अब ये कैसे लिखा जाता है, समझ में आ गया? तो देखो फाइनली हम लोग क्या सीखे कि अगर हमको ओपी वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है? ओपी वेक्टर। तो पहले एक्स प्रीफर करेंगे, फिर वाई, फिर जेड। तो एक्स वाला देखो क्या है, तो इसको हम लोग चूंकि स्पेस में है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो जीरो जीरो। तो पहले पी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, किसका? पी का। फिर किसका? ओ का। ओ का है ओरिजिन है, ठीक है? तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स, ठीक है? या तुम चाहो तो ओपी को एक्स माइनस, या इसको ऐसे भी लिख सकता पहले, अभी तो लिखे ना हुए है ना, लिखे आर वेक्टर को क्या लिखे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस व्हाट? जेड के कैप। तुम चाहो तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप तो लिख ही सकता है, इसको चाहो तो एक्स माइनस जीरो आई कैप प्लस व्हाट? वाई माइनस जीरो जे कैप प्लस जेड माइनस जीरो भी के कैप लिख सकता है। बोल क्लियर है? अरे बोलो, यही चीज आ गया ना? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहले किसका कोऑर्डिनेट प्रीफर किया, ओ का कि पी का? पी का। जो बाद वाला लेटर होगा उसका कोऑर्डिनेट पहले लेना है, जो पहले वाला लेटर होगा उसको बाद में लेना है। और आर वेक्टर जब भी लिखना होगा तो बोल क्या लिखेंगे? तो आर वेक्टर का जब भी लिखना होगा मैग्नीट्यूड, तो हम लोग लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ आई का स्क्वायर, फिर बोला जाए कोफिशियंट ऑफ अब जे का स्क्वायर। ये तो पहले 2D तक होता था ना, एक और बढ़ गया क्या? कोफिशियंट ऑफ के कैप का स्क्वायर, एक और हमारा क्या बढ़ गया? कोऑर्डिनेट बढ़ गया। तो अगर 2D होगा तो अंडर रूट क्या लिखेंगे? देखो अगर 2D होगा तो हम लोग क्या लिखें? कोफिशियंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ जे का स्क्वायर। और अगर 3D होगा तो क्या हम लोग सीखे? हाँ, अंडर रूट कोफिशियंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट, और ऑलवेज टेक मैग्नीट्यूड, बिकॉज सब वेक्टर आपस में कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे। किस एंगल पे है? 90 डिग्री पे। बोल क्लियर? कहाँ दिक्कत? हालांकि देखो एक चीज तुम लोग ऐसे पढ़ना नहीं है, बट जानकारी के लिए बता रहे हैं कि OA और OP के बीच का जो एंगल होता है ना, लेट दिस वैल्यू दिस एंगल बी अल्फा, तो cos अल्फा को m से इंडिकेट करते हैं, और इसको एक इसका वैल्यू होगा क्या? एक्स वाई आर, वेर आर क्या है? ओपी। इसको डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, हालांकि जरूरी नहीं है, ठीक है? उसी तरह से वाई का ओपी के साथ कुछ ना कुछ एंगल होगा, लेट बी बीटा, तो कॉस बीटा का जो एंगल है इसको एन से डिनोट करेंगे, इसको वाई बाई आर लिखेंगे, और ये भी डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई कहलाएगा, ठीक? उसी तरह कॉस गामा इक्वल टू क्या? एम एन क्यू, जो भी लेंगे, मान लो क्यू ले लो, इसको जेड बाई आर कहेंगे, ये कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन किसका? जेड एक्सिस का, ठीक है? तो डायरेक्शन कोसाइन ऐसे फिजिक्स में बहुत कम ही आएगा, जहां आएगा हम बता देंगे, बट ये टर्म वाकिफ होना चाहिए कि है क्या। तो कॉस अल्फा का ही डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, तो कॉस अल्फा किसके और किसके बीच में? ओ ए और ओ पी के बीच में, बल्कि ले गए, और ओ पी का डायरेक्शन ओ से किधर होगा? पी होगा। ओपी का डायरेक्शन किधर होगा? ओ से लेके पी की ओर होगा। कहां दिक्कत? तो कैसे कैसे 3D में लिखा जा रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है? 3D में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? क्लियर?
अब इसके हेल्प से देखो क्या है कि मिटाने वाला पोजिशन वेक्टर भी पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो टॉपिक लिखो पोजिशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हम 3D वाला डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसे 2D में भी वही हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर में देखो क्या है कि लेट अस सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और इधर क्या है z एक्सिस। दो पॉइंट ले रहे हैं a जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, ठीक बोल के रहे हैं। अच्छा एक चीज तो हम सीखे ना कि जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, बोल के ले रहे हैं। एक पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, ठीक, और ये पॉइंट O है। और अगर हमको OP वेक्टर लिखना है, OP वेक्टर को मान लो R वेक्टर से इंडिकेट कर रहे हैं, तो बोल क्या लिखेंगे 3D में। 2D में रहता तो xi कैप प्लस yj कैप लिखते हैं, बट 3D में हम लोग क्या लिखना पड़ रहा है कि O है, ये P है और P का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या देखें x, y, z है। तो इसको क्या लिखा गया xi कैप प्लस yj कैप प्लस व्हाट zk कैप लिखा गया। अरे बोलो तो क्या लिखा गया फाइनली, क्या सीखे कि OP वेक्टर को R वेक्टर बोला गया और इसको लिखा गया xi कैप y लिखा गया। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो OA वेक्टर मान लो A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 ऐसे, बल्कि लिख रहे हैं। एक पॉइंट और लेते हैं B और इसका कोऑर्डिनेट मान लो ले लेते हैं x2 y2 और क्या, और ये हमारा क्या हो जाएगा R2 वेक्टर, बोल के ले रहे हैं। अगर इंडिविजुअली R1 वेक्टर लिखने के लिए कहेगा तो बोल क्या लिखेगा, तो कैन वी राइट R1 वेक्टर, इसको O मान लेते हैं और R1 वेक्टर को कैन ऑल्सो बी रिटन एज OA वेक्टर। हाँ बोलो क्या लिखेगा, हाँ X1 आई कैप प्लस Y1 प्लस Z1 के कैप, ऐसे नहीं है क्लियर। अच्छा बताओ तो OB वेक्टर क्या लिखेगा, R2 वेक्टर से इंडिकेट करेंगे, हाँ बोला जाए पहले किसका, और इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0, हाँ बोलो x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस कहाँ देखा, ठीक। अब हम AB वेक्टर लिखना चाहते हैं, वी आर इंटरेस्टेड टू राइट AB वेक्टर, ठीक। AB वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, तो AB वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे ट्रायंगल रूल का हेल्प से। तो अब हम लोग ना ट्रायंगल और लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं और लिखना चाहते हैं AB वेक्टर, तो कौन रिजल्टेंट बनेगा देखो, तो देखो ये वेक्टर ऐसे है, ये OA वेक्टर हो गया, ये AB वेक्टर हो गया, कौन रिजल्टेंट बनेगा, कौन बनेगा, हाँ OB वेक्टर हमारा रिजल्टेंट बनेगा, क्योंकि जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना हो वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो सेम ऑर्डर वाला क्या है, R1 वेक्टर है और AB वेक्टर है, कौन ऑपोजिट वेक्टर वाला है, OB वेक्टर। तो क्या लिख सकते, देखो ट्रायंगल लो लगाएंगे तो वी कैन राइट OA वेक्टर प्लस व्हाट इक्वल टू, नहीं आया कहां दिक्कत, ठीक। तो AB वेक्टर क्या हो जाएगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ऐसे। तो AB वेक्टर को AB वेक्टर लिखने देते हैं। अच्छा OB वेक्टर को ऑल्सो क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस व्हाट ऐसे, ठीक है ये ना हुआ। अरे बोलो तो AB वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो गया। अच्छा दोनों का वैल्यू हम पुट करते हैं अब, तो AB वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, R2 वेक्टर देखो तो क्या है x2, अच्छा डायरेक्ट लिखें या इसको x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस व्हाट, ये किसके जगह, R2 के जगह सही है, माइनस R1 के जगह क्या x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप, नहीं आया क्लियर है। तब ये क्या लिखाएगा, जी
जेड वन, वैसे ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर दो कोऑर्डिनेट हमको पता है तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आर वन वैक्टर और आर टू वैक्टर का हेल्प लिया जाए। वी विल टेक डायरेक्ट पॉइंट किसका, ए का एंड बी का, कोई दिक्कत? अच्छा सुनो, ए बी वैक्टर लिखना सीख गया। अच्छा इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो बोल कैसे लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? तो अंडर रूट व्हाट, हाँ एक्स टू माइनस एक्स वन का, मतलब कॉफिशियंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कॉफिशियंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कॉफिशियंट ऑफ के का स्क्वायर, ये लिखा जाता है। तो बोलो क्या लिखेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, फिर बोलो वाई टू माइनस वाई वन का, फिर बोलो जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, ऐसे ठीक। अच्छा एक यूनिट वेक्टर नाम सुनना होगा, ए बी को यूनिट वेक्टर कहा जाता है, यूनिट वेक्टर एलोंग कहते हैं क्या, ए बी वेक्टर नहीं, ए बी क्या, देखो ये वाला हम डाल दिए ना, ये क्या कहलाता है, कैप डाल दिए, कैप मतलब क्या, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है वन, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है। तो ए बी कैप को कहते हैं यूनिट वेक्टर, किस डायरेक्शन में, बोल किधर है। अच्छा तो यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन किए थे याद करो, जैसे मान लो हमको, हाँ मान लो कि अगर मान लो यूनिट वेक्टर आर कैप लेना है तो वेक्टर डिवाइडेड बाय, ये ना आया था यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन आर कैप का, ये हमारा डेफिनेशन था यूनिट वेक्टर का, हम लोग जो डिफाइन किए थे यूनिट वेक्टर इज व्हाट, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वन, इसका मेन पर्पस क्या है, हाँ डायरेक्शन शो करना, ये डायरेक्शन को शो करने का काम में आता है ठीक। तो अगर हमको यूनिट वेक्टर लिखना है तो यूनिट वेक्टर ए बी कैप करना है तो कैन वी राइट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, नहीं आया, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अच्छा अब ए बी वेक्टर है कितना, तो ये है तुम्हारा क्या एक्स टू माइनस एक्स वन आई, जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर ठीक। ये हमारा यूनिट वेक्टर आया दो पॉइंट के बीच में जिसका कोऑर्डिनेट पता था क्या, एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू ठीक। और हमेशा सॉल्व करना तो ये मिलेगा तुमको देखने का कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है ऑलवेज, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर और इसका पर्पस क्या है, हाँ पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर टू शो द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवेन वेक्टर, किसी भी गिवेन वेक्टर का डायरेक्शन शो करना हो तो वी प्रिफर व्हाट ठीक, इसका पर्पस यही है। कहां दिक्कत समझ में आ रहा, तो अगर दो पॉइंट पता है निकल जाएगा। जैसे कि मान लो एग्जांपल कि एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है दो आठ दस, बोल क्लियर है। दूसरा पॉइंट बी है ऐसे और इसका कोऑर्डिनेट है आठ दस तेरह, नहीं है, बोल क्लियर है, कहां दिक्कत ठीक। अब दो आठ दस है और आठ दस तेरह है तो पहला पूछा गया कि राइट ए बी वेक्टर या कैलकुलेट ए बी वेक्टर पहला, दूसरा मॉड ऑफ ए बी वेक्टर और तीसरा यूनिट वेक्टर ए बी कैप, ऐसे पूछा गया। हाउ मेनी क्वेश्चन, तीन ठीक। अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे कैसे लिखना है, देखो पहला ए बी वेक्टर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ये सब इतना इतना टोटल करने का जरूरी नहीं है, वी विल यूज डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। पहले किसका कोऑर्डिनेट लेंगे, हाँ बी का, फिर ए का, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या आठ और इसका तो लिखेंगे एट माइनस टू आई कैप, फिर बोलो टेन माइनस, हाँ ये लिखेंगे एट माइनस टू आई कैप, फिर बोलो टेन माइनस एट जे कैप, फिर बोलो थर्टीन माइनस टेन के कैप, कहाँ दिखा, अरे बोलो। अच्छा अब ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ सिक्स आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ऐसे हो गया।
अच्छा मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्या होगा? मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर थोड़ी ना यूनिट वेक्टर है, ए बी कैप यूनिट वेक्टर है। हाँ तो अंडर रूट वर्ड क्या होगा? सिक्स का स्क्वायर, टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, ये कितना आएगा? तो ये 36, 36 और 4, 40, 40 और 9, 49, 49 परसेंट स्क्वायर। वाह रे डॉक्टर, नहीं एकदम बिल्कुल इजी वाला आएगा, 7 यूनिट या 7 मीटर जो भी होगा, अगर इसका मीटर मीटर होगा तो ये भी मीटर आ जाएगा। अच्छा फिर बोला गया क्या निकालो? यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय, यूनिट वेक्टर का क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय ऐसे ना, तो बोलो क्या लिखेगा? ए बी वेक्टर हो जाएगा 6i कैप, हाँ प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय ऐसे, ठीक है। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकता है, ए बी कैप इक्वल टू 6/7i कैप प्लस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं 2/7j कैप, हाँ प्लस 3/7k कैप। कहाँ दिखा, समझ में आ रहा? अरे बोलो कोई कैसे वाली बात, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है कि एक कैसे कैसे लिखना है, समझ में आ रहा? इसका यूज हम बता रहे कैसे होता है। जैसे कोई भी ये है, कहेगा ए वेक्टर है, ये दो लेटर का यूज नहीं है, एक ही लेटर का यूज है। या मान लो बी वेक्टर या सी वेक्टर या डी वेक्टर लेते हैं, डी वेक्टर दिया हुआ, सपोज दैट 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ऐसे डी वेक्टर दिया हुआ है, कहेगा राइट यूनिट वेक्टर ऑफ किसका? डी वेक्टर, बोल बन जाएगा क्या होगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर डी कैप इक्वल टू व्हाट? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स व्हाट? ऐसे, अरे बोलो क्या लिखेगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय ओन मैग्नीट्यूड। तो डी कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी वेक्टर, डी वेक्टर बोले तो 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या, और इसका मैग्नीट्यूड बोले तो हाँ अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बोल क्लियर है? तो ये आ जाएगा क्या? तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। कहाँ दिक्कत? ठीक ठीक है, तो ये समझ में आ गया कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब देखो ये ए बी वैक्टर बराबर R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो कि इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है, कि देखो सपोज दैट कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आगे जाके काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक, और इसको एक पार्टी ऐसे जा रहा है, मान लो एक बी है, बी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी, एक मधुमक्खी है जो पहले कहाँ था? ए के पास, फिर कहाँ चला गया? बी के पास। तो कहेगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ बी, और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो डिफाइन होता है, लिख लो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, उस डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम किधर से किधर? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट इसका डायरेक्शन लिया गया है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किधर लिया गया है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। जैसे मान लो कि, तो डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एस वेक्टर भी कहा जाता है, या इसको ऑल्सो क्या कहते हैं? ए बी वेक्टर, जो डिफाइन होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यह इसका डेफिनेशन, क्लियर। तो सपोज दैट एक बी है जो कहां पर है, जिसका इनिशियल कोऑर्डिनेट है 2, 8, 10 ऐसे, और फाइनल कोऑर्डिनेट है 8, 10, 13 ऐसे, ठीक है। अगर कहेगा राइट द इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इनिशियल पोजीशन पूछेगा, तो इनिशियल पोजीशन ऑफ बी क्या होगा बोलो? हाँ पहले इनिशियल कहां पर था? ए के पास, फिर बी के पास, तो कहेगा फाइंड द इनिशियल पोजीशन या राइट इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन लिखिए, तो क्या लिखेगा? इन विच फॉर्म? इन, इसको बोला जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस व्हाट फॉर्म, इस फॉर्म में कहा जाएगा कि इसका इनिशियल पोजीशन लिखिए,
या इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग कैसे डिफाइन किए, चेंज इन क्या लिखा, पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो R1 से डिनोट करेंगे, तो इसका इनिशियल ही ना है, हाँ, तो इसको लिखेंगे R1 वेक्टर को 2y कैप प्लस y 8j कैप प्लस 10k कैप। फिर बोलेगा फाइंड राइट फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो क्या लिखेगा 8i कैप 10j कैप प्लस 13k कैप ऐसे। फिर कहेगा राइट या हाँ राइट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिखेंगे आर, हाँ दैट इज डिनोटेड बाय एस वेक्टर, और एस वेक्टर को हम ए बी वेक्टर भी बोल सकते हैं, वही चीज आएगा, क्योंकि देखो ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये तुम्हारा क्या है फाइनल पोजीशन वेक्टर है, दैट इज डिनोटेड बाय आर टू, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज टेकन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर से किधर लिया गया है, इनिशियल पॉइंट से किधर फाइनल पॉइंट की तरफ, तो इनिशियल पॉइंट क्या है 2, 8, 10, फाइनल पॉइंट क्या है, तो एस वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर, इसको आर टू वैक्टर माइनस कहेंगे चेंज इन पोजिशन वैक्टर, ही ना डेफिनेशन है, तो ए बी वैक्टर दैट इज इक्वल टू एस वैक्टर, क्या आएगा आर टू वैक्टर माइनस आर वन, तो क्या आएगा 8 - 2i कैप, फिर बोलो 10 - 8 जे कैप, फिर बोला जाए 13 - 10 के कैप, इसको ऑल्सो क्या लिख सकते हैं, तो ए बी वैक्टर बराबर 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, वैसे देख रहा है कहाँ दिक्कत, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए कहेगा स्पेस में, तो ऐसे ही आ जाएगा, नहीं आया, ठीक है। और वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये क्या होता है पाथ इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस अगर निकालना रहता तो लेंथ ऑफ द पाथ कहलाता, डिस्टेंस क्या कहलाता लेंथ ऑफ द पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे, तो पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, बोल क्लियर है। अच्छा ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी ये कहलाता है, जैसे मान लो कि देखो ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 z2, ठीक। डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब क्या ए बी यही ना होगा, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस इन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, डिस्टेंस मतलब क्या डिस्टेंस इन बिटवीन ए एंड बी दैट इज कौन वाला डिस्टेंस, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट व्हाट x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर बोलो y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर z2 - z1 का होल स्क्वायर, ऐसे ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला भी आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ए एंड बी तो डिस्प्लेसमेंट ही ना होता है, अरे यार क्या होता है, इसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, नहीं इसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता था, ऐसे भी आ जाएगा, कहाँ दिक्कत, ठीक है। तो ऐसे कर लो कोई दिक्कत वाली बात। अब 3D का प्रॉब्लम कैसे आता है कि जैसे मान लो कि सपोज कैसे कैसे बनेगा कि जैसे मान लो अगर 2D दिखाना होगा तो बिल्कुल ऐसे दिखाएगा, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा ईस्ट, ये क्या हो जाएगा वेस्ट, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ। अगर 2D दिखाना हो तो ऐसे दिखाना, और इधर हमेशा x ले लेना, तो इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ x, इधर क्या ले लेगा y, तो इधर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ y, ऐसे ठीक। अगर 2D दिखाना होगा तो इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, और 3D दिखाना होगा तो थोड़ा सा टिल्टेड कर देंगे, ऐसे टिल्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहां पर ये 2D दिखाना होगा तो ऐसे करेंगे, यहां पर जेड एक्सिस बोला जाएगा तो किधर है, तो ये तुम्हारा आउट जेड हो गया, ऐसे ना,
ये सिस्टम हुआ है जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, एक्स एक्सिस ये वाला, वाई एक्सिस ऊपर वाला, ये वाला क्या जेड एक्सिस, इस सिस्टम को फॉलो किए हैं। तो पूरा प्लेन, ये पूरा प्लेन दिख रहा है, एक्स वाई का प्लेन दिख रहा है, और ये बाहर की ओर क्या हो गया, आउट जेड एक्सिस हो गया, आउट क्या हो गया, बट थ्री डी का थोड़ा और ज्यादा फील लाना है तो थोड़ा सा टिल्टेड कर देना, हल्का सा, देखो ऐसे था, इसको हल्का सा घुमा दिए, देख रहा है पहले कैसे था, ये तुम्हारी तरफ था एग्जैक्ट जेड एक्सिस, अब हल्का सा घुमा दिए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जेड एक्सिस अब ऐसा हो जाएगा, एक्स थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, वाई जैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर हल्का सा टिल्टेड कर दिए, बोल क्लियर है। इससे क्या फायदा होगा कि हम अप डाउन भी दिखा सकते हैं, ठीक, जैसे ये वाला क्या हो जाएगा, अब मान लो इसको ईस्ट मान सकता है तो ये क्या हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा क्या नॉर्थ, ये वाला साउथ, ये हो जाएगा अप और ये हो जाएगा डाउन, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन अगर इसमें अब दिखाना रहता तो दिखा लेता क्या, अब दिखाने के चक्कर में नॉर्थ ही दिखाता, डाउन दिखाने का चक्कर में साउथ दिखा देते, ठीक है। तो ये 3D का फील नहीं आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 3D का फील आ रहा है, थोड़ा सा टिल्टेड कर देंगे तो सारा डायरेक्शन हमको दिखने लगेगा। अरे बोलो कोई कैश वाली बात। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक मान लो चमत्कारी रैट है, कैसा रैट, चमत्कारी, चमत्कारी रैट है, देखो कैसे कैसे मूव किया है, तो ये मूव किया है पहला मूवमेंट है 6 किलोमीटर, बाप रे बाप क्या मूव किया है, नहीं कितना मूव किया है 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट के तरफ मूव किया, बोल क्लियर है। देन ठीक 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ एंड फाइनली इंटर्स द होल ऑफ ग्राउंड, किधर मूव किया, फाइनली इंटर्स द होल ऑफ द ग्राउंड 2 feet डाउनवर्ड, 2 feet नहीं 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर डाउनवर्ड। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका, रेट का, ठीक है। एक मान लो चमत्कारी चूहा है, देखो देखना एक इसका पीछे वाला, ठीक है, ये चूहा है चमत्कारी, ठीक, ये दाना पानी का चक्कर में देखो कितना बेहाल है, कितना कैसे कैसे गया है, तो 6 किलोमीटर किधर गया, ईस्ट की तरफ, फिर भी कुछ नहीं मिला, फिर 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, फिर भी कुछ नहीं मिला, और उसना जाने के बाद एक क्या था कि जमीन पर ही, जमीन तो एक्स वाई प्लेन में ना होगा, एक होल रहा होगा, इसी होल के अंदर ये चूहा इंटर कर गया और बेचारा खाने के लिए ये फाइनली कितना नीचे चला गया, 2 किलोमीटर अंदर चला गया, वहां जाके लेटा हुआ है, वहां जाके क्या है, लेटा हुआ है। तो कह रहा है कि अपना ओरिजिनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ऑफ द रेट निकालना है, और जो भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट लेंगे, और इसका इनिशियल पॉइंट मान लो ये है, ठीक। ये क्वेश्चन क्या चीज का है, 2D का कि 3D का, 3D का, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, वाई भी चेंज हुआ, और क्या हुआ, जेड भी चेंज हुआ, तो ये 3D का हो गया, ये किसका हो गया, 3D का। तो अब कैसे कैसे बनेगा, तो बिल्कुल यही तुम्हारे फोटो सामने है कि जैसे जो दिया है इसका इंडिविजुअली लिख दो। तो पहला देखो राइट का मूवमेंट कैसा हुआ है, तो पहला S1 वेक्टर लिखेंगे, देखो किधर गया, 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट की तरफ, और ईस्ट को क्या माने, एक्स माने, तो बोलो हम 6 किलोमीटर आई कैप लिखेंगे, यस नहीं है, अरे बोलो। फिर दूसरा वाला क्या, S2 वेक्टर, फिर कितना मूव किया, 3 किलोमीटर किधर, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ किधर लिए थे, तो ये साउथ लिए थे, साउथ पॉजिटिव ऑफ जेड लिए, तो नॉर्थ इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ जेड, तो बोल क्या लिखेगा, हाँ क्या लिखेगा, -3 किलोमीटर के कैप, माइनस के कैप क्यों हुआ, क्योंकि जेड एक्सिस के ऑपोजिट में मूव किया, नेगेटिव ऑफ जेड, नेगेटिव ऑफ जेड को क्या माना गया था, नॉर्थ, कहाँ दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा नेक्स्ट वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो अंडर द ग्राउंड हुआ, डाउनवर्ड क्या हुआ, एंड फाइनली इंटर्स कितना लिखा हुआ, इंटर्स
द होल ऑफ द ग्राउंड 2 किलोमीटर डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड अपवर्ड के लिए प्लस वाई और डाउनवर्ड के लिए माइनस वाई, तो बोल क्या लिखेगा? तो माइनस 2 किलोमीटर जे कैप। तो माइनस जे कैप पहले भी लिख लो चाहे माइनस जे कैप बाद में लिख लो, उसका मतलब वही होता है जो पहले हम लोग पढ़े। ठीक ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो कैन वी से दैट कि सबका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट? वेक्टर एडिशन ही ना कहता है कि सबका इंडिविजुअल वेक्टर को क्या कहेंगे, उसका रिजल्टेंट, तो सबको इंडिविजुअली जोड़ देंगे तो क्या आएगा, एस वन एस टू एस थ्री ऐसे। तो व्हाट इज एस वन? हाँ, एस वन क्या आएगा 6i का, फिर एस टू क्या माइनस 3 के कैप और फिर माइनस 2 के इन किलोमीटर। अरे बोलो, तो एस वेक्टर क्या लिखाएगा? एस वेक्टर किसका? रैट का, 6i का माइनस, सीक्वेंस यही ना लिखते हैं हमेशा, तो ये भी लिख देंगे तो सही हो जाएगा। ये आई कैप जे कैप के कैप में है, ये क्या है आई कैप जे कैप और के कैप। फिर कहेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, तो वो लिखेगा। तो अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट कोफिशियंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ के का स्क्वायर। तो बोल क्या लिखेंगे? 6 का स्क्वायर माइनस 2 लिखने का जरूरत नहीं, चाहो तो लिख लो वही आएगा, प्लस क्या होगा, हमेशा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखना बिकॉज वो वही आ जाता है। ठीक, लिखना तो लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा 36 और 4 40, नौ, तो 7 किलोमीटर। पता है नेट मूवमेंट क्या होगा? 7 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस पूछा होता तो हाँ, तो डिस्टेंस होता 6 3 9 9 2 11 11 किलोमीटर क्या होता डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट मात्र 7 किलोमीटर। कैसे होता है 3 किलोमीटर ये? हाँ, तो आई के डाउनवर्ड अगर नहीं रहता तो 2D का प्रॉब्लम होता, अगर डाउनवर्ड नहीं। टॉपिक है टू एक्सप्रेस, काफी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। टू एक्सप्रेस एनी वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के ऐसे इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे कि मान लो, देखो इसको एग्जांपल से समझ में आएगा हो क्या रहा है, कि सपोज दैट कि एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 2 8 10 और इसका कोऑर्डिनेट है 8 10 13। बहुत कोई सोच रहा है मास्टर बार बार यही कोऑर्डिनेट ले रहा है, क्योंकि सिंपल, हाँ सिंपलर फॉर्म में है, हमको तो सीखने से मतलब है, हमको थोड़ी ना जान देना है पॉइंट इतना रूट इतना उतना, तो गड़बड़ हो जाएगा, हमको तो सीखने से मतलब है। ठीक है, अब सबसे पहले कहेगा कि यूनिट वेक्टर लिखो या ए बी वेक्टर लिखो, तो बन जाएगा ए बी वेक्टर में पहले किसका कोऑर्डिनेट लेगा, बी का कि ए का? बी का। तो बोल क्या लिखेगा, डायरेक्ट बोलो, सबको बोलेगा 8 माइनस 2 6i का, फिर 10 माइनस 8 प्लस 2j का प्लस 13 माइनस 10 3k कैप, ऐसे लिखा। फिर बोलेगा यूनिट वेक्टर ए बी कैप लिखो, तो क्या होगा 6i कैप प्लस, मतलब हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या, इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे ऐसे ना, तो 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय 7 हो गया। अब देखो क्या है क्वेश्चन, कि एक मान लो ए पॉइंट है एक बी है और ये दोनों के बीच में एक रस्सी है, ऐसे ये रस्सी है, मान लो कि एक पोल ऐसे गाड़ दिया गया है, दिस इज द पोल, ये पोल है और दो पोल के बीच में एक रस्सी से ऐसे बांध दिया गया है, बोल है ठीक है, तो रस्सी ऐसा हो गया, दिस इज व्हाट रोप, या बिजली का तार ले लेते हैं, ठीक है, लाइव वायर, लाइन वायर, ठीक, सटला बेटा तो गेला बेटा, नहीं सटला बेटा तो गेला बेटा, दम नंगा तार है, जो छुएगा खत्म हो जाएगा, बट एक चमत्कारी चूहा है, चमत्कारी रैट, ठीक है, चमत्कारी रैट ने वो क्या किया, वो इसी रस्सी पे चलने लगा, ठीक, मतलब कि देखो ये चूहा ऐसे
क्लियर है, देख रहे हैं, दिस इज रेड एंड दिस रेट इज मूविंग विथ रफ्तार ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। वारे चमत्कारी चूहा, नहीं देह में आग लगा हुआ, कितना से मूव कर रहा है? 70 किलोमीटर पर आवर से, ठीक, किसके तरफ? अलोंग ए टू बी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रैट, लिख लो क्वेश्चन, ए रैट इज मूविंग अलोंग ए बी, ए रैट इज मूविंग अलोंग ए बी विथ अ स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, विथ अ स्पीड क्या लिखा है? 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 2, 8, 10, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज क्या है? 2, 8, 10 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज क्या है? 8, 10, 13, 8, 10, 13। एक्सप्रेस द वेलोसिटी ऑफ रैट, ठीक है, क्या लिखेगा? एक्सप्रेस द वेलोसिटी ऑफ रैट इन ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप फॉर्म, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस व्हाट? सी के कैप फॉर्म, बोल क्लियर है? अच्छा देखो कैसे कैसे बनेगा, तो हमको कुछ करना नहीं है, देखो हमको वेलोसिटी ऑफ रैट लिखना है। अरे बोलो, यहां पर वेलोसिटी ऑफ रैट का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, जो कितना दिया हुआ है? 70 किलोमीटर पर आवर, बोल क्लियर है? और डायरेक्शन किधर है? ए से बी की तरफ, तो यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या है? टू शो द डायरेक्शन, तो हम यहां पर सिर्फ यूनिट वेक्टर ए बी कैप लगा देंगे, नहीं आया ये, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया। कोई भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ लिखते हैं ना, तो ये वाला जो हिस्सा वो क्या चीज बता रहा? मैग्नीट्यूड, और ये वाला हिस्सा डायरेक्शन, ये क्या? मैग्नीट्यूड, ये क्या? डायरेक्शन, बोल क्लियर है? नहीं आया। किसी भी वेक्टर को ऐसे ही लिखते हैं, कोई भी वेक्टर लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, जैसे मान लो डी वेक्टर लिखना हो, तो डी वेक्टर इक्वल टू, यहां पर डी वेक्टर लिखेंगे और उसका यहां पर क्या लगा देंगे? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या बोलेगा? ये इसी का डायरेक्शन बताएगा, या तुम लोग पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो व्हाट? वेक्टर डिवाइडेड बाय ओन मैग्नीट्यूड, यहां से ये भी आ जाता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, तो मेन वेक्टर डी वेक्टर बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये आ जाएगा। वही तो हुआ है, देखो तो नहीं है, वही बात ही अलग हुआ। अच्छा तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रैट, ये हमको लिखना है। तो ये रफ्तार कितना है? तो 70 किलोमीटर पर आवर, ऐसे कहां दिक्कत? अरे बोलो। अच्छा अब ए बी कैप, ए बी कैप हम लोग निकाले हुए हैं, क्या निकला ए बी कैप देखो तो, हाँ 6i कैप प्लस व्हाट? 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे डिवाइडेड बाय क्या? 7, ऐसे। अब ये इसे कटेगा तो बोल क्या लिखेगा? तो 10 किलोमीटर पर आवर बच गया, और क्या बचा यहाँ? कटेगा ना, तो बचेगा 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे। तुम चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकता है, तो एक स्टेप और बढ़ा देगा तो क्या लिखेगा? 60i कैप 20j कैप प्लस 30k कैप, ऐसे। और रफ्तार जो है वो किलोमीटर बराबर, ये एक्चुअली ना ए आई कैप इस फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या ऐसे लिखने से मैग्नीट्यूड 60 और 20 80, 80 और 30 कितना हो गया? 110 हो गया क्या? नहीं, क्योंकि ये सब आपस में म्यूचुअली 90 डिग्री पे है। तो अगर इसका मान लो वेलोसिटी ऑफ रैट निकाल के देखो, तो वेलोसिटी ऑफ रैट का जो किसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पार्ट को स्पीड कहा जाता है, लिख लो कॉपी के ऊपर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पार्ट को, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पार्ट को स्पीड कहा जाता है, एंड इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विथ ए प्रॉपर यूनिट, एंड इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विथ ए क्या लिखा? प्रॉपर यूनिट, इसको प्रॉपर यूनिट के साथ एक्सप्रेस करना चाहिए, कहां दिक्कत?
ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ राइट निकालने के लिए कहेगा तो अंडर रूट कोफिशियंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ के का स्क्वायर लिखेंगे तो बोल क्या हो जाएगा, तो 60 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस व्हाट 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा देखो तो हाँ ये तो 10 बाहर निकाल लेंगे तो 36 और 4 40 40 और 9 49 का परसेंट हाँ ये 70 किलोमीटर पर आवर। क्या ऐसे लिखने से मैग्नीट्यूड चेंज हो गया? नहीं, मैग्नीट्यूड बिल्कुल वही रहा। ठीक, अच्छा क्या ये यूनिट वेक्टर है? अगर यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। तो प्रूव दैट, प्रूव अगर पूछेगा ए बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा ये प्रूव करो तो कर लेगा। देखो इसमें देखो 1/7 बाहर निकलेगा, नहीं 1/7 सब में क्या होगा बाहर, फिर क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस क्या ऐसे, तो ये हो गया ऊपर वाला 7 नीचे वाला 7 दैट इज इक्वल टू क्या 1। यस यूनिट वेक्टर है। इसका मेन पर्पस है क्या? टू शो द डायरेक्शन, डायरेक्शन शो करने का काम में आता है। तो हम वेलोसिटी को भी एक्सप्रेस करते हैं, कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस वेलोसिटी। अब लिखो केज प्रॉब्लम। केज मतलब क्या होता है? पिंजरा। ठीक है, तो देखो क्या है कि एक इस टाइप से मान लो ये मान लो पिंजरा है, ठीक है, चारों तरफ से पैक रहेगा ना, नहीं तो पैक नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो भी पैरेंट इसके अंदर है क्या होगा, तो मान लो भाग जाएगा। तो ये केज है, ठीक है, और ये जू में रखा हुआ है, ठीक है, पेड़ पे मान लो वो टांगा हुआ है, ठीक, ऐसे करके ये ऐसे है, ठीक है, और ये पेड़ पे ऐसे टांगा हुआ है, मतलब इस टाइप का कोई पेड़ होगा, इसका ये ऐसे हो गया, कोई कर, और ये ऐसे टांगा हुआ है, ठीक है, पूरा ये पूरा पैक है चारों तरफ, पूरा जाली दिया हुआ है अच्छा ताकि कोई भी, ठीक है, है? लाइट नहीं आ रहा इस टाइप से पूरा पैक है और ऐसे पेड़ से लटका हुआ है और ये पूरा सीन क्या चीज का है? जू का। ठीक, अब देखो क्या है कि इसका जो कॉर्नर कॉर्नर पर ना खाना रखने वाला बनाया हुआ थी कटोरा टाइप का, नहीं ऐसे ऐसे पूरा बनाया हुआ है। अब ये यहां पर ऐसे कटोरा है, कटोरा में दाना उना होगा सारे जगह, ठीक, कोई भी पैरोट आराम से बैठ के जाके खा सकता है, ठीक, कुछ में पानी डाला हुआ है कुछ में दाना डाला हुआ है, पूरा फैसिलिटी है, नहीं पूरा का पूरा फुल फैसिलिटी है। तो कॉर्नर पर ऐसे कटोरा रखा हुआ है और यहां पर ना गलती से क्या हुआ कि यहां पर एक छेद, मतलब यह यहां से मान लो कॉर्नर कॉर्नर पर छेद है, ठीक है, ये कॉर्नर में छेद है, ये कॉर्नर में छेद है और ये भी कॉर्नर में छेद है, सब जगह कॉर्नर कॉर्नर में क्या है, छेद है, और ऊपर में क्या है, कटोरा है जिसमें दाना उन्हें रखा हुआ है, बोल गए, ठीक है। अच्छा ये जो केज का साइज है, ये साइज ऑफ केज देखो क्या है, ये 7 फीट ऐसा है, 7 नहीं 6 फीट ले, 6 फीट ऐसे है, 2 फीट इसका ये है और हाइट मान लो कितना फीट है, 3 फीट है, हाइट कितना 3 फीट, लेंथ कितना 6 फीट, तो इसका वॉल्यूम अगर बोलेगा तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा बताओ, व्हाट विल बी इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा हाँ 6 × 2 × 3 तो क्या होगा 6 × 12 = 12 तो यही 36 फीट क्यूब का ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम। अच्छा किसी का भी सरफेस एरिया निकालने के लिए कहेगा तो बन जाएगा। अब देखो क्या है, एक पैरोट मान लो, देखो पैरोट क्या होता है कि इस होल से एंट्री मार दिया, देखो एक पैरोट क्या है कि ये इस टाइप से पैरोट ले लेते हैं,
नहीं, ये क्या है? पैरट है। अब पैरट को लाख समझाओ, बोलेगा लेकिन खुद नहीं समझेगा। नहीं, कोई पिंजड़ा जाल बिछाएगा, जाली में जो है फंसना नहीं, लेकिन खुद जाके क्या करता है कि ये कॉर्नर, इस कॉर्नर से एंट्री किया, इस होल से एंट्री किया, यहां पर चार जगह होल था, एक होल यहां, दो, तीसरा और चौथा, किसी एक होल से एंट्री किया और यहां से एंट्री करने के बाद ये मान लो इस होल पे बैठ गया, ऐसे इस कॉर्नर से निकला, इस होल से एंट्री मारा ये पैरट, बल्कि है, और यहां से यहां जाके बैठ गया। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट चाहो तो नाम लिख सकता है, ये ए हो जाएगा, या इसको क्या मान लो ए बी, इसको ओ ले लेते हैं, सी डी ई एफ, और ये क्या आ जाएगा जी, कहां से एंट्री किया, इंटर्ड किसमें, इंटर फ्रॉम होल ओ, ओ से एंट्री किया ना, एंड फ्रॉम इंटर्ड फ्रॉम होल कहां से, ओ से, एंड सीटेड ऑन कटोरा, कौन वाला कटोरा एफ, चमगा इंटर्ड फ्रॉम द होल ओ एंड सीटेड ऑन किसे, कटोरा एफ, क्लियर है। बोला गया कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैरोट, पैरोट का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा ये बताओ। ठीक, अब इसको अगर देखा जाए तो देखो क्या क्या, अगर इसका हम इमेजिन करेंगे थ्री डी वाला, सबको कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट लिखना तो आसान हो जाएगा। देखो अब अगर इसको बनाने के लिए अगर देखा जाए तो देखो क्या क्या होगा, यही ना है, जहां से होल बना था उसको ऑरिजिन मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो जीरो जीरो, इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। अब सबका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ये वाला साइज कितने का था, 6 फीट का, फिर ये वाला कितने का, 2 फीट का, और ये वाला 3 फीट का। कैन वी राइट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल, बोला इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा फीट में, 6, 0, 0, अरे बोलो इसका, बोलो 0, 3, 0, ऐसे इसका बोला जाए 0, 0, 2। क्या ये वाई जेड प्लेन में है, 0, 0, 3, हाँ 0, 3, 2, ऐसे इसका बोला जाए, ये किस प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, 6, 0, 2, ऐसे इसका बोलो 6, 6, 3, 0, ऐसे इसका बोला जाए 6, 3, 2, 6, 3, 2। ठीक, अच्छा पॉइंट्स का नाम क्या क्या दिए हैं, ये दिए हैं ए, फिर बोलो ये बी, ये क्या बोले हैं सी, ये ओ, ये बोला जाए ई, ये वाला डी, ये कौन सा है जी है, और ये वाला एफ, ऐसे ना है। तो यहां से एंट्री मारा कहां से, और जाके यहां पर जाके बैठ गया, इस कटोरा में बैठ गया, तो हमको OF निकालना है ना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा अंडर रूट व्हाट, 6 - 0 का होल स्क्वायर, फिर बोला जाए 3 - 0 का होल स्क्वायर, फिर 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाता है 36, 9, 4, बोल तो, हाँ ये 7 मीटर आ जाएगा, अंडर रूट 49 जिसको क्या ले सकते हैं, तो 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, कहां दिक्कत। अच्छा अब तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, किसी भी होल से, किसी होल से एंट्री मारा, मान लो इस होल से एंट्री मारा और यहां जाके बैठ गया, बनेगा, क्योंकि सबका इनिशियल कोऑर्डिनेट पता है, सबका फाइनल कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। मान लो इस कॉर्नर से एंट्री मारा, जाके यहां पर बैठ गया, तो बस क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो पैरट प्रॉब्लम हो, मॉस्किटो प्रॉब्लम हो, बर्ड प्रॉब्लम हो, इसी टाइप का एंट्री वाला प्रॉब्लम हो, तो बोल बनेगा, सबका कोऑर्डिनेट लिखने आना चाहिए। अच्छा अगर मान लो ये मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकता है क्या, दिस इज व्हाट मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट ऑफ एफ और जी का, तो बोलो तो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, एक्स वाला क्या होगा, एक्स वाला, एक्स वाला, हाँ वेरी गुड, एक्स वाला क्या रहेगा,
छह ही रहेगा, वाई हाइट क्या रहेगा, हाँ हाइट भी वही रहेगा, हाइट भी वही रहेगा ना, तो हाइट भी थ्री रहेगा। अरे बोलो, हाँ जेड वाला जो उधर जाके कितना था, हाँ हाइट जो है मतलब कि अगर जेड एक्सिस की तरफ एफ के पास गए तो दो यूनिट इधर गए, बट चूंकि ये मिड पॉइंट है तो अब कितना यूनिट है, एक ही यूनिट है ना, तो ये वाला एक यूनिट हो जाएगा, नहीं आया समझ में रहा। अरे बोलो, तब मान लो कि कोई एक चमत्कारी पैरट जो है यहां से एंट्री मार के ना यहां जाके बैठ गया मिड पॉइंट, और मान लो इस मिड पॉइंट को हम एम ले लेते हैं तो बोल बनेगा कि नहीं, बन जाएगा, तब क्या लिखेगा बोलो, तो अंडर रूट 6-0 का स्क्वायर प्लस 3-0 का स्क्वायर प्लस 1-0 जो भी है 36 और एक, हाँ टॉपिक लिखो कैरम बोर्ड प्रॉब्लम, ठीक। कैरम बोर्ड प्रॉब्लम में मान लो कि सपोज दैट कि एक बड़ी मिस्त्री है, ठीक है, उसको घर में बुला के बोला गया कि कैरम बोर्ड भैया बना दो, मेरा बच्चा खेलेगा, ठीक है। बड़ी मिस्त्री थोड़ा चमत्कारी टाइप का था, नहीं वो क्या किया, अनोखा टाइप का कैरम बोर्ड बना के बच्चा को दे दिया। ऐसे आम तौर पर कैरम बोर्ड का किस आकार होता है, स्क्वायर आकार होता है, वो रेक्टेंगल बना के दे दिया, कैसा बना दिया, रेक्टेंगल आकार का कैरम बोर्ड बना दिया, मतलब वो कैरम बोर्ड इस शेप का बना दिया ऐसे, ठीक। ये वाला ए है और ये डायमेंशन बी है, ठीक। अब दे दिया, लीजिए साहब बना दिए, तो गाली ये सुना होगा कि कोई ऐसा बनाता है क्या, बच्चा कैसे खेलेगा, बच्चा तो खेल नहीं पाएगा। बट उसका बच्चा जो है काफी टैलेंटेड था, वो देखो क्या कह रहा, किस टाइप से खेल खेल रहा है, एक गेम उसका देख लेते हैं कि वो देखो चार पॉकेट होता है, तो उसका बच्चा जो है जिसको बना के दिया गया उसका बच्चा देखो कैसे खेल खेलता है कि एक जो है यहां से एक स्ट्राइकर लेता है, ये क्या है स्ट्राइकर, और यहां से ये गैप दिया हुआ है, ए हो गया बी हो गया इस सी है, ऐसे इस पॉकेट से इस पॉकेट के बीच का दूरी क्या है सी, फुल क्लियर है। अब देखो ये क्या किया, इसको यहां से ऐसे मारा, फिर ये ऐसे गया और जाके इस वाला पॉकेट में पिल गया, समझ में कैसे कैसे हुआ, यहां से मारा गया इस वॉल पे टकराया, इस वॉल से फिर इस वॉल में टकराया, फिर इस वॉल से इस पॉकेट में जाके पिल गया, ठीक, बोल क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछा गया देखो ये क्या है कि कितना एंगल से ये मारा होगा, फाइंड थीटा। क्वेश्चन क्या पूछा गया, थीटा, थीटा का वैल्यू बताओ। मान लो यहां से जो मारा गया ये सपोज ओ ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं, कहां दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात, अरे बोलो कैसे कैसे बनेगा देखो। अब हम लोग इसको बनाने के लिए देखो क्या हेल्प लेंगे कि देखो मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है जिसको वाई कहते हैं, और थीटा के साथ जो बनता है उसको बेस कहते हैं और इसको हम आर कहते हैं, ठीक। इसमें देखो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है या तो बेस पता रहता है या ना तो परपेंडिकुलर रहता है, तो अगर मान लो इसको टैन थीटा से रिलेट करेंगे तो टैन थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर वाई बाई एक्स, तो व्हाट इज एक्स इक्वल टू या व्हाट इज वाई इक्वल टू, एक्स टैन थीटा, अरे बोलो वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स टैन थीटा, या कॉट थीटा बराबर क्या लिखेगा, हाँ कॉट थीटा बराबर एक्स वाई ऐसे ना, तो व्हाट इज एक्स इक्वल टू वाई कॉट थीटा, नहीं y बराबर x tan थीटा और x बराबर कहां दिक्कत, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर परपेंडिकुलर पता हो तो परपेंडिकुलर पता हो तो बेस निकलेगा कॉट से, और अगर बेस पता हो तो बेस पता हो तो परपेंडिकुलर निकलेगा tan से, ठीक है। क्या हम लोग सीखे, ये तो जग जाहिर है इक्वेशन 9-10 में पढ़ना था, अगर परपेंडिकुलर पता हो तो बेस निकालना हो तो किससे निकलेगा कॉट से, और अगर बेस पता हो परपेंडिकुलर निकालना हो तो टैन से, क्लियर। इसके अलावा यहां पर यह भी नियम फॉलो होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, अच्छा किताब रहेगा तो इसमें दे देगा कि एज्यूम जितना भी कॉलिजन है, एज्यूम ऑल कॉलिजन टू बी इलास्टिक,
इलास्टिक कोलिजन मानना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इलास्टिक कोलिजन का देखो प्रॉपर्टी क्या होता है कि इलास्टिक कोलिजन में ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है, ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि अगर मान लो ये इंसिडेंट रे होता है, ये होता है बोल क्लियर है, और ये नॉर्मल कहलाता है, ये इंसिडेंट रे कहलाता है और ये क्या करता है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं चला, प्रॉब्लम आ रहा है, चेंज करते क्या बैटरी, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, तो अगर ये एंगल मान लो थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा हम किसके साथ लेते हैं, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, यही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई इज इक्वल टू आर, आई भी थीटा है, आर भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, मतलब यहां पर देखो क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, एक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन का जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे, और कुछ ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे, ठीक। अब देखो कैसे कैसे बनेगा, देखो ये वाला ट्रायंगल करने का मतलब फिर से याद हुआ, अगर थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ जो बनेगा वो बेस, ठीक है। तो अगर बेस पता हो तो परपेंडिकुलर निकालना होगा तो टैंस निकलेगा, और परपेंडिकुलर पता हो, बेस निकालना हो तो कॉट से आएगा। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं, क्या पता है, तो थीटा के साथ जो बनता है वो बेस पता है, वो बेस का लेंथ कितना है, सी। तो कैन वी कैलकुलेट थीटा के सामने वाला साइड, बोलो क्या लिखेगा, हाँ ये लिखेगा सी टेन थीटा, क्या लिखेगा, सी टेन थीटा, बोल क्लियर है। अच्छा इसका लेंथ कितना दे, रेक्टेंगल टाइप का है ना, एक ऐसा कैरमबोर्ड है, चमत्कारी है, रेक्टेंगुलर कैरमबोर्ड बड़े मिस्त्री बनाया, कैसा बनाया, रेक्टेंगुलर कैरमबोर्ड, बोल क्लियर है। तो अगर ये तुम्हारा बी है तो क्या ये भी बी होगा, तो ये कितना हो चुका है, तो बाकी कितना बचा, बी माइनस सी टेन थीटा, बोल क्लियर है। अच्छा अब देखो ये थीटा, तो यहां से एक नॉर्मल लाइन खींचे, तो ये वाला और ये वाला पैरेलल, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा, कौन एंगल, अल्टरनेट एंगल। अच्छा ये थीटा, तो ये तो इंसिडेंट रे हो गया ना, और ये रिफ्लेक्टेड रे का काम करेगा और ये नॉर्मल का काम करेगा, तो क्या ये भी थीटा होगा, क्या होगा, थीटा, बोल क्लियर है। अच्छा ये थीटा, तो ये थीटा, ये कौन एंगल हुआ, हाँ ये अल्टरनेट एंगल हुआ। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर पता है तो क्या ये निकलेगा, बोलो ये क्या होगा, तो बी माइनस सी टैन थीटा होगा, क्या होगा, बी माइनस सी टैन थीटा का कॉट थीटा की टैन थीटा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर पता है, थीटा के सामने वाला, तो बेस निकालना है ना, तो कॉट से निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी यहां लिख देते हैं, ये कॉट थीटा हो जाएगा, कहां दिक्कत, अरे बोलो समझ में आ रहा हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको मिटा देते हैं ताकि साफ से दिखे ये, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया नाउ, तो ये समझ में आ गया। अब यहां से लेकर यहां तक क्या है, ए है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पूरा ए, अरे बोलो ये पूरा ए हो गया, जिसमें से ये हिस्सा कितने का हो चुका है, इतने का, तो बाकी का जो हिस्सा बचेगा वो क्या बचेगा बता, ए माइनस बी माइनस सी क्या, ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, कहां दिक्कत, ये यहां से लेके यहां तक वैल्यू हो जाएगा, समझ में, ठीक। अब सुनो यहां से एक फिर एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं, ये टोटल एंगल कितना 90, ये कितना हो चुका थीटा, तो बाकी कितना बचा 90 माइनस थीटा, क्या होगा, अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस जगह पर ये नॉर्मल हो जाएगा, इंसिडेंट रे हो गया, इस जगह पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात किया जाए तो कितना 90 माइनस थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, बोल क्लियर है। अच्छा ये वाला और ये वाला कितना 90, ये कितना हो चुका है, तो ये कितना होगा थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, बोल क्लियर है, तो ये थीटा हो गया, अरे बोलो, अच्छा ये थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया बी, तो बी के रेस्पेक्ट में ये साइड लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकता है, हाँ बी कॉट थीटा, क्या होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर पता है और थीटा के साथ वाला जो होगा वो बेस निकालना है तो कॉट से निकलेगा, ठीक। अब क्या इस बी कॉट थीटा का वैल्यू इसके बराबर होगा, अगर तुम ऐसे देखो करना क्या, इस तरह का प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे लेके चलना है, यहां से ये निकल जाएगा
यहां से ये निकल जाएगा, यहां से ये निकल जाएगा और यहां से ये निकल जाएगा। फिर इसको इधर से भिड़ा दो, इधर से भिड़ाएगा तो देखो इधर से बनाओ तो उसका वैल्यू जो ये वाला लेंथ आएगा, इधर से भी भिड़ाएगा तो वही ना आएगा, इधर से भी करेगा तो वही आएगा। अगर मान लो ऐसे ऐसे करते गए, ए लेंथ मान लो 6 मीटर है तो ये 20 किलोमीटर हो जाएगा या 4 किलोमीटर, कुछ भी 4 मीटर कुछ भी अलग होगा क्या? जितना अगर ये 6 मीटर आया है तो ये भी तुम्हारा 6 मीटर ही आएगा। मतलब इधर से भी करेगा तो क्या होगा, मतलब बी कॉट थीटा का वैल्यू अगर 6 मीटर है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 6 मीटर होगा। मतलब दोनों अलग नहीं है, एक ही चीज है, खाली इधर इस पैटर्न में लिखा गया है और इसको इस पैटर्न से लिखा गया है। बोल क्लियर है? नहीं आया समझना है? तो दोनों इक्वल कर दें, इधर से भी करेंगे तो ये अगर 6 मीटर है तो इधर से भी करेगा तो 6 मीटर, इधर से करेगा तो 6 मीटर, दोनों का वैल्यूएशन सेम होगा। तो क्या लिखा जाए, तो कैन वी राइट बी कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी माइनस सी टैन थीटा इंटू व्हाट कॉट थीटा। देखो सेम होगा कि अलग अलग? सेम होगा। तो क्या आ जाएगा, देखो बी कॉट थीटा इक्वल टू बोलो ए माइनस ए से गुना होगा, कितना आएगा माइनस और माइनस प्लस सी टैन थीटा इंटू कॉट थीटा वन, हमको थीटा निकालना था, इसको इधर आने दो, तो बी कॉट थीटा और बी कॉट थीटा, ये तो टू बी कॉट थीटा हो गया ना जी, माइनस ये क्या हो गया इधर आएगा तो टू बी कॉट थीटा, इधर क्या आ जाएगा ए प्लस सी, तो व्हाट इज कॉट थीटा बराबर ए प्लस सी बाय टू बी, ऐसे अरे बोलो क्या होगा, ए प्लस सी बाय टू बी, तो थीटा बराबर हम कह सकते हैं कॉस इनवर्स ए प्लस सी बाय टू बी। कहां दिक्कत समझ आ रहा है? फिर से देखो ये वाला ट्रायंगल में ये थीटा पता है और ये वाला साइड पता है, बेस पता है, तो बेस वाला पता है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा सी टेन थीटा, थीटा के सामने वाला टेन से आएगा तो आ जाएगा सी टेन थीटा। फिर यहां से यहां क्या पता है, बी पता है, तो अगर बी पता है और ये साइड निकल चुका है तो बाकी का जो लेंथ है निकल जाएगा, क्या होगा बी माइनस सी टेन थीटा। अब फिर ये वाला ट्रायंगल में आ जाओ तो ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, ये हो गया आई इक्वल टू आर की वजह से, और ये थीटा तो ये थीटा, ये ऑल्टरनेट की वजह से, तो थीटा के साथ जो है वो बेस निकलेगा, बेस निकलेगा कॉट से, तो ये निकल गया। और फिर यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितना ए, तो ये वाला पता है तो बाकी का लेंथ जो होगा वो निकलेगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग ऐसे ऐसे करके चलेंगे और एक बार ऐसे चलेंगे। इस ट्रायंगल में देखो थीटा के सामने वाला बी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो बी के साथ ये वाला जो साइड होगा वो क्या होगा बी कॉट थीटा, तो बी कॉट थीटा का वैल्यू ये वाला और ये वाला दोनों का वैल्यूएशन सेम है, उसको इक्वल कर दिए, सॉल्व करेंगे आ जाएगा निकल जाएगा। अगेन वो बड़ी मिस्त्री कैसा रेक्टेंगल बनाया, हाँ रेक्टेंगल कैरमबोन, ठीक। अब देखो क्या है कि यहां पर एक ठो ना, यहां पर मान लो क्वीन रखा हुआ, क्या है क्वीन। अब इस क्वीन को स्ट्राइकर से ऐसा मारना है कि क्वीन जो है सामने वाला वॉल से टकराए और फिर पीछे वाला पॉकेट में पिल जाए, नहीं होता ना ऐसे, स्ट्राइकर रख के ऐसे मारना है क्वीन को, ठोक देना है। क्वीन क्या होना चाहिए, इधर वाला वॉल से टकराना चाहिए। तो मान लो कि ये वाला सपोज ले लेते हैं ए बी सी डी, ये वाला डायमेंशन कितने का है, क्वेश्चन में दिया हुआ ए का, ये कितने का है बी का, तो ये क्वीन जो है इस वॉल से टकराए और फिर इस एंगल में ये इसमें जाके पिल जाए, क्लियर। तो क्वेश्चन है कि ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है कि व्हाट विल बी थीटा। फिर कहां ये मारा गया ये निकालना है, और मार के तो फिर सब कुछ निकालना, मतलब अब एक बार थीटा पता चल जाता है तो सब चीज निकालना शुरू हो जाता है, बोल क्लियर है। और ये क्वीन कहां पर था इनिशियली, सेंटर पे, सेंटर बोले तो मिड पॉइंट ना, इसमें भी क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे वही वाला। अब देखो कैसे कैसे बनेगा, ये टोटल क्या है, हमको क्या क्या निकालना है। पहला क्वेश्चन है फाइंड थीटा, दूसरा इसको ओ ले लेते हैं पी, तो निकालना है ओपी, तीसरा पी बी, चौथा ओबी, ठीक है। ये सब सारा हमको निकालना है, ओबी ओबी बोले तो ये वाला, ठीक बनाया जाए। अब देखो कैसे कैसे बनेगा, ये वाला साइड टोटल कितना है बी, तो बोलिए क्या होगा
बी बाई टू होगा ये वाला, क्योंकि ये बी है, ये मिड में है ना, ये बी बाई टू हो गया। अच्छा ये वाला टोटल कितना, ए, तो इसका आधा क्या होगा, ए बाई टू, बोल क्लियर है। अच्छा ये बी बाई टू हो गया, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला निकलेगा, टैन से निकलेगा या कॉट से निकलेगा, किसे निकलेगा, कॉट से, तो ये क्या हो जाएगा, टैन से निकलेगा ना, तो बी बाई टू, हाँ परपेंडिकुलर निकालना, बी बाई टू टैन थीटा, कहाँ दिक्कत, कॉट से निकलेगा कि टैन से, टैन से निकलेगा, तो टैन से बी बाई टू टैन थीटा हो गया। अच्छा यहां से यहां का लेंथ कितना है, ए बाई टू है, जिसमें से ये क्या हो चुका, तो बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा बता, बाकी जो बचा ए बाई टू माइनस, ऐसे कहाँ दिक्कत, अरे बोलो। अच्छा ये थीटा, तो यहां से एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं, तो ये थीटा होगा कौन एंगल, अल्टरनेट एंगल, और ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा, कौन सा प्रॉपर्टी लगाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये थीटा है तो फिर ये वाला थीटा लेंगे, ये कौन सा प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एंगल। अब ये वाला देखो बी है, तो ये वाला इधर से वैल्यूएशन करेंगे तो ये वाला क्या होगा, थीटा के सामने वाला बी टैन थीटा होगा, अरे बोलो। तो क्या बी टैन थीटा और इधर से ये वाला अलग अलग है, अगर इधर से चार मीटर तो इधर से चार मीटर होगा, इधर से पांच मीटर तो इधर से पांच मीटर होगा, तो क्या लिखना चाहिए बताओ, तो लिखना चाहिए बी टैन थीटा इक्वल टू वट, ए बाई टू माइनस बी बाई टू टैन, इसको इधर आने दो, तो थ्री बी बाई टू टैन थीटा इक्वल टू कितना, कुछ कटेगा क्या, टू से टू कट गया, टैन थीटा बराबर ए बाय, तो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ए बाय थ्री बी, कहां दिखा, वन थीटा कैलकुलेटेड एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड। जैसे मान लो कि ओपी निकालना है, ओपी, तो बोल ओपी का वैल्यू क्या होगा, तो ये बी बाई टू है, तो अब ये वाला हिस्सा क्या हो गया, देखो अब इसका फ्रेश फिगर बनाते हैं, ऐसे ना हुआ, अब ये वाला फ्रेश फिगर बनाएंगे, तो ये वाला तेरा क्या है, b बाई टू है, और थीटा का वैल्यू निकल चुका है ना, तो ये वाला साइड क्या होगा, b बाई टू टैन थीटा, टैन थीटा का वैल्यू क्या, तो टैन थीटा का वैल्यू a बाई थ्री बी, तो कितना हो जाएगा बताओ, तो b बाई टू टैन थीटा, टैन थीटा का वैल्यू a बाई थ्री बी, ऐसे, तो b से b कट गया, तो a बाई सिक्स हो जाएगा ये वाला, अरे बोलो क्या जाएगा, ए बाई सिक्स। तो देखो ये पता है, ये पता है, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, वो तो कैन बी राइट ओपी बराबर व्हाट, बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, ए बाई सिक्स का होल स्क्वायर, कहां दिखा, सब कुछ निकलेगा। अच्छा ये थीटा हो गया, तो क्या ये भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो अब तो सब कुछ निकल जाएगा ना, इधर से जो निकालना है वो निकलेगा, कहां दिखा। अच्छा तुम लोग बना दो प्रैक्टिस के लिए, स्क्वायर कैरम बोर्ड है, क्या है, स्क्वायर कर देते हैं, अब ये क्वीन कहां रखा हुआ, सेंटर पे, ऐसे गया, ऐसे एंट्री मार दिया, क्लियर है। क्वेश्चन क्या क्या है, सिर सारा वही ले लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, बोल क्लियर है। अब ये चूंकि बीड में है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई टू इधर से होगा, इधर से कितना होगा, और ये वाला थीटा, सेम क्वेश्चन निकालना है, क्या क्या, पहला फाइंड थीटा, दूसरा बोला जाए ये पॉइंट कौन सा है, पी है, ठीक, तो फाइंड थीटा, फाइंड ओपी, फाइंड पीवी, और चौथा क्या, फाइंड ओपी, बना दो, ठीक, सब कुछ निकालना है, सब कुछ अपने से बनाएगा, टोटल बनाओ।